Hello, standard four. Welcome in previous lecture. In previous lecture, we have learned about uh, some bird like uh, sunbird and uh, weaver bird, right? And I have tell you that I will find out what be the actual name of barbet. So the common name of barbet that we know is woodpecker. Yes, barbet is a woodpecker. Okay. Now we are going to continue our lecture with our next play, Next page where we have

तो मैंने जो नेस्ट देखा था वो एक जो लकड़ी का सपोर्ट होता है घर में उसके ऊपर बना हुआ था ऊंचाई पर वॉट इज़ द नेस्ट मेड ऑफ नेस्ट है वो ट्विंग्स से और मोस्टली ट्विंग्स से ही बना था एक दो कपड़े के टुकड़े थे बस जस्ट लाइक दिस देखो इसमें कितनी ट्विंग्स है ना ये अच्छे से सेप से किया हुआ है लेकिन वो सेप नहीं था ऐसे बस ट्विंग्स छोड़ दिए थे इन द ने इज द नेस्ट रेडी और आर द बर्ड रेडी एंड चिक्स ऑल्सो कैन यू रिकोगनाइज विच बर्ड हैज मेड द नेस्ट यस, इट वॉज नेस्ट, नेट थिंग्स द बर्ड ब्रिंग टू द नेस्ट कि बर्ड है वो नेस्ट में क्या लाते थे तो वेन आई हैव सीन द मदर एंड फादर स्पेरो ब्रिंगिंग कैटर पिल्लर टू फिट देर चिक्स अपने बच्चों को खिलाने के लिए वो कैटर पिल्लर लेके आते थे और कभी कभी राइस uh, के दाने भी इज देर एनी बर्ड सीटिंग इन द नेक्स्ट देर आर समिक्स एंड एट द नाइट टाइम मदर एंड फादर आर ऑल्सो स्लीपिंग ओवर देर दैट आई हैव सीन डू यू थिंक देर आर एनी एग्स यस नो 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 देर इज नो एग्स ओनली चिक्स ओवर देर Can you hear any sound like chi chi from the nest? Yes. All the time the chicks were uh, making this type of noise. If there are chicks in the nest, what do the parent bird bring for them to eat? I have already explained it. How many times in one hour do the bird come to the nest? One hour mein toh, I don't know. Like in there may the. I have not counted that. I'm, पता नहीं पचास बार भी आते होंगे वन आवर तो बहुत बड़ा टाइम है आफ्टर हाउ मैनी डेज डिड द चिक लीव द नेस्ट भाई इतना तो मैंने ऑब्जर्व नहीं किया है ओके okay? अगर आगे का कुछ होगा तो हम कहीं से भी अरेंज करेंगे मेक अ पिक्चर ऑफ द नेस्ट इन योर नोटबुक तो ये आपका एक्सपीरियंस है तो आप अभी से इसके बारे में कर सकते हो आप भी ऑब्जर्व करना शुरू कर दो और फिर लिस्ट बनाओ ओके okay? You have seen how birds use many different things to make their nest. Use some of these things and make a nest. Make a small paper bird to put in your nest. तो so, आपको भी ऐसी चीजें use करके एक nest बनाना है और फिर paper bird का उसमें इट्ठा देना है paper का bird बनाके। तो so, ये एक आपके लिए activity है। Now birds use the nest only to lay their eggs. After the eggs have

और जब वो उड़ना शुरू कर देते हैं तो उनको अपना घोंसला छोड़ देना होता है फिर पेरेंट उसका ख्याल नहीं रखते सिर्फ उनको उड़ना की, सिखाना और उसको खाना कहाँ से मिलेगा वो ढूंढना सिखा कर पेरेंट उसको फिर उसके हाल पर छोड़ देते हैं तो इसमें पूछा है कि क्या हो अगर हमें भी बड़ा होकर जैसे हम इंडिपेंडेंट बन जाए अपना घर छोड़ना पड़े after they leave their nest different kind of birds live at different places some on tree some near or on water and some on land other animals also have different places where they live on land under the ground in water on trees हमने अलग अलग तरह के बर्ड्स और एनिमल्स को देखा है थर्ड स्टैंडर्ड में है ना जो पानी में रहते हो और पेड़ पर और ये सब नाउ लेट अस हैव सम फन मेक थ्री ग्रुप इन है क्लास ईच चाइल्ड मस्ट ड्रो अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल एंड कलर इट दे शुड देन कट ईच पिक्चर आउट कि भाई क्लास में सभी बच्चों को ग्रुप बना के अपने अपने तरह से किसी भी एक बर्ड का पिक्चर बनाना है

करेक्ट प्लेस ऑन द चार्ट फिर एक ग्रुप है वो ये कटे हुए एनिमल को ले लेगा और फिर जो चार्ट पेपर है उसके ऊपर फिर जमीन है घास है ट्रीज है ये सब बनाएगा और आपको वहाँ पर सही जगह पर एनिमल्स को लगाना है द सेकेंड ग्रुप विल टेक द कट आउट ऑफ द पिक्चर ऑफ द एनिमल दैट लिव इन वॉटर फिर दूसरा ग्रुप है वो जो एनिमल पानी में रहते हैं उसके कटआउट ले लेगा दे शुड कलर चार्ट पेपर ब्लू टू शो वाटर देन ऑल्सो ड्रॉ वाटर प्लांट्स स्टोन्स एक्सेट्रा दे पिक्चर ऑफ द एनिमल्स देट लिव इन वाटर ऑन द चार्ट फिर वो दूसरा ग्रुप है वो ब्लू कलर से वाटर बनाएगा अंदर वाटर के प्लांट पत्थर ये सब ड्रॉ करने हैं कलर करने हैं और फिर उसके अंदर आपको ये एनिमल्स को चिपकाना है द थर्ड ग्रुप विल टेक द कट आउट ऑफ पिक्चर ऑफ एनिमल दैट ली वे ट्रीज वन चाइल्ड इन द ग्रुप विल ड्रॉ अ बिग ट्री ऑन अ चार्ट पेपर एंड कलर इट देन ऑल द चिल्ड्रन इन द ग्रुप मस्ट स्टिक देयर कट आउट ऑफ द पिक्चर ऑन द चार्ट पेपर ऑफ़ देयर ग्रुप ट्री चार्ट इन योर क्लास एंड डिस्कस अबाउट फिर क्या होगा कि तीसरा ग्रुप है वो जो ट्री पर रहने वाले एनिमल है उसका कटआउट ले लेगा और उस ग्रुप में जो एक बच्चा है वो बड़ा वाला ट्री बना के उसको कलर करेगा और फिर ग्रुप को उसके ऊपर सारे जो एनिमल्स हैं जो ट्री पर रहते हैं उसके कटआउट हैं वो चिपकाने हैं और ऐसे सारे पैरों के कटआउट और सब लगा कर फिर आपको डिस्कस करना है कि भाई कौन सा एन, एनिमल कहाँ रहता है वो क्या खाता है कैसे करता है ये सब नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट बर्ड फीट डिफरेंट काइंड फॉर डिफरेंट नीड्स मतलब अलग अलग तरह के बर्ड के पैर भी अलग अलग तरह के होते हैं वो भी उसकी जरूरियात के अकॉर्डिंग ये वेब फीट है उसमें आगे तीन उंगलियां होती है और उसके बीच में स्किन उसको वेब्ड फीट बोलते हैं वो तैरने के लिए काम आते हैं वो डक जैसे बर्ड्स के होते हैं टू होल्ड द ट्री ब्रांचिस ऐसे पेड़ हैं वो स्पेरो के और उनके होते हैं जो पेड़ की डालियों पर बैठते हैं ताकि वो अच्छे से उसको पकड़ सके टू कैच द प्रे वॉट इज हंट्स इस तरह के जो पैर हैं वो ईगल के और उनके होते हैं जो कि कार्निवर्स होते हैं अपने खाने को एनिमल्स या जिसको भी उसने मारा है उसको अच्छे से पकड़ सके और खा सके इसलिए उसके ऐसे पंजे होते हैं जिसको टेलॉन्स बोलते हैं ये है। इसमें आगे तीन पंजे होते हैं और एक दूर पीछे और उसमें हुक जैसे नाखून होते हैं ऐसे पंजे हैं वो जो ट्री के ट्रंक पर चढ़ने वाले बर्ड है जैसे पेरोट है वुड पेकर है उनके होते हैं ताकि वो अच्छे से पकड़ जमा कर चढ़ सके और ये है टू वॉक ऑन द लैंड जमीन पर चलने वाले जैसे मुर्गी है और ये सब तो उनके ऐसे पंजे होते हैं ओके नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट देयर बीक तो उनकी बीक भी उसके खाने के अकॉर्डिंग होती है जैसे ये ईगल है तो उसकी ऐसी मुड़ी हुई चोंच होती है ताकि वो अपने मीट जो खाना है उसको फाड़ सके और खा सके ये वुड पेकर की बीक है जो कि लंबी और बहुत ही मजबूत होती है ताकि वो वुड में अपना होल बना सके ये सन बर्ड की है जो कि फूलों में से नेक्टर को निकाल सके चूस सके शक सक कर सके और ये बड़ी वाली जो है वो है ऐसे बर्ड की जो ट्री ट्रंक में से इंसेक्ट निकाल कर खाते हैं ताकि को अंदर से निकालने में आसानी हो इसलिए लंबी है या फिर ऐसे बर्ड जो पानी में चलते हैं वेडिंग करते हैं और पानी में से जो कीड़ों मकोड़ों को ढूंढ कर निकालते हैं मडी वाटर होता है ना। बिक टू ब्रेक एंड क्रस सीड ये पेरोट है स्पेरो है ऐसे बर्ड्स की है कि जो दानों को तोड़ सके और खा सके और ये है आ, क्रो जैसो की कि जो कुछ भी खाने को काटना है खाना है और ऐसे कामों के लिए जो वेज और नॉन वेज दोनों में काम आता है नाउ एनिमल टीथ यू हैव सीन दैट एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्निपिंग ग्रास द टीथ ऑन द साइड्स आर लार्ज एंड फ्लैट फॉर चूइंग द ग्रास कि आपने देखा होगा कि गा, गाय के आगे के दांत होते हैं वो ऐसे घास को पकड़ के निकाल सके इसलिए होते हैं और साइड में उसके दांत बड़े और फ्लैट होते हैं ताकि वो घास को चबा कैट्स हैव शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट कैट को ऐसे शार्प टीथ होते हैं ताकि वो मीट को काट सके और खा सके नाउ नेक्स्ट वन इज ये है Snakes Snakes have sharp curved teeth, but they do not chew their their prey. Snakes always swallow their food whole. Ko, जो होता है, उसको एकदम नुकीले और मुड़े हुए दांत होते हैं लेकिन वो खाने को चबाता नहीं है पूरा का पूरा निगल जाता है सांप के दांत मोस्टली जहर के लिए काम आते हैं ओके okay? now squirrel. जो स्क्विरल और रेट जैसे एनिमल्स हैं उसके टीथ कंटिन्यूस बढ़ते रहते हैं स्क्विरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ दे हैव टू कीप डूइंग ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग जो आगे के दो चार दांत होते हैं चार दांत वो कंटीन्यूस उसकी पूरी जिंदगी में लंबे होते रहते हैं जैसे हमारे बाल और नाखून बढ़ते हैं ना इस तरह तो उनको किसी भी चीज को कंटिन्यूस काटना रहता है अगर वो नहीं काटेंगे तो उसके दांत बड़े हो जाएंगे और उसको खाना खाने में मुश्किल होगी इसलिए वो कंटिन्यूस चीजों को कुतरते रहते हैं चूहा भी इसलिए कुतरता है फाइंड आउट अबाउट योर आउन टीथ एंड राइट योर एज आपकी एज क्या है तो आपकी टेन और इलेवन के अबाउट होगी हाउ मैनी टीथ डू यू हैव आपको ट्वेंटी फोर के अबाउट टीथ होंगे 2024 राइट right? फिर आप काउंट कर लेना और फिर इसमें लिखना हैव एनी ऑफ योर टीथ फॉलन और ब्रोकन आपके कुछ दांत टूट गए हैं तो अभी तक तो आपके चार पांच दांत तो टूट ही गए होंगे हाव मैनी न्यू टीथ डू यू हैव तो उसमें से अगर रिसेंटली टूटे हैं तो कितने गए कितने आए वो आप लिख सकते हो हाउ मेनी ऑफ योर मिल्क टीथ हैव फॉलन बट नो न्यू टीथ हैव कम इन देयर प्लेस और रिसेंटली अगर टूटे हैं तो नहीं आएंगे वरना तो आ जाते हैं है ना फाइंड आउट मोर अबाउट टीथ लुक एट योर फ्रंट टीथ आर देज देयर डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ ड्रो वन फ्रंट टूथ एंड वन बैक टूथ इन योर नोट बुक कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दिस आपके जो फ्रंट ट्यूथ है आगे के दांत और पीछे के दांत उसमें डिफरेंट तो होता ही है आगे के दांत हैं वो थोड़े फ्लैट और सार्प होते हैं जबकि पीछे के दांत हैं सॉरी आगे के दांत थोड़े वाइड होते हैं पोर चपटे और सार्प होते हैं ताकि आप चीजों को काट सके और पीछे के दाँत हैं वो फ्लैट और बड़े होते हैं ताकि वो Now there are some questions over here, but we will discuss in next lecture. Till that time, goodbye everyone.